ओ भाई नमस्कार, आप सबको कैसे हैं? आप सब, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो भाई इसी के साथ आज आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, वो है इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलाता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट शुरू करें। तो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू करे हैं, ये मेनली आपके DSSB के लिए रहने वाले हैं। DSSB जूनियर असिस्टेंट और MTS के लिए मेनली उन बच्चों के लिए हैं। पर आपको पता है कि जी इंग्लिश सबकी सेम ही होती है, तो इनको SSC MTS वाले बच्चे भी देख सकते हैं जिनका पेपर अभी एक एक महीने के लिए टाइम है, क्योंकि वैसे तो आपके कल से 30 सितंबर से पेपर शुरू हो ही जाएंगे, पर जिनके अभी टाइम है, एक डेढ़ एक महीना है, 20-25 दिन है, वो भी इन सेट को देख सकते हैं, उन्हें भी बहुत हेल्प मिलेगी। मेनली तो ये जूनियर असिस्टेंट और MTS वाले बच्चों के लिए हैं जो हमारे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर भी DSSB के ही हैं। अगर आप SSC के हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगा कि आप अपने SSC के PYQ भी करें साथ में, वो आपको ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज के अपने ये पहला प्रैक्टिस सेट। तो भाई मैंने ये बहुत मिन्नतों के बाद शुरू करी है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी भी लगती है बनाने में, तो इनको अपना प्यार दिखाएं थोड़ा सा, है ना, तभी आगे कंटिन्यू हो पाएंगी। अगर इनको सपोर्ट आप लोगों का नहीं मिलेगा तो ये भाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी। तो खुद भी देखें, अपने ग्रुप में वगैरह में भी शेयर करें, जहाँ भी आप पढ़ते हैं सबको बताएं कि इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चलते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सेट आगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो करें शुरू, लेके अपने अपने प्रभु का नाम, जिस भी धर्म प्रांत क्रांति के आप हैं, करें। चलो जी, यह रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन इंग्लिश का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग डैश द डोर। अब इसमें से 90% ने आंसर आ गया होगा आपके मन में कि इसका आंसर होगा बिहाइंड, है ना? पर मैं आपको इन चारों ऑप्शन को मतलब बता दूंगा, ताकि आपको आने वाले, अगर आपको कोई टॉपिक वीक है, कोई ग्रामर का सब वो वीक है, तो आपका सब रिवाइज होता चला जाएगा। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, इसका आंसर बिहाइंड ही है, वो आपके मन में आ भी गया होगा आंसर पढ़ते ही, है ना? अब एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है भाई, जब आप किसी स्मॉलर प्लेस की बात करते हैं, स्मॉलर प्लेस इन द सेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तू कहाँ रहता है, आप बोलोगे आई लिव इन दिल्ली, है ना, आप बोलोगे आई लिव इन दिल्ली। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई तू दिल्ली में कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे आई लिव एट लक्ष्मी नगर, एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। तो जब आप बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज बता रहे होते हो, तब वहां पे एट का यूज होता है। ठीक है, और बिहाइंड तो आपको पता है पीछे मतलब होता है पीछे। ऑन, ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर ऊपर, बट फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए इसमें, इसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा द बुक इज ऑन द टेबल, जो वो ये एक जैसे टेबल है ना, ये एक जैसे टेबल है जिसके ऊपर ये एक बुक रखी है, तो बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि दोनों में फिजिकल कांटेक्ट है। अब ओवर का मतलब ही ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, बट इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इसमें कहूँगा द फैन इज ओवर माई हेड, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जो पंखा है वो यहाँ पे चल रहा है मेरे सर के ऊपर। अगर मैं ऑन लगा दूँ द फैन इज ऑन माई हेड, तो मतलब मेरी टाँट पर रखा है पंखा। द फैन इज ओवर माई हेड आएगा, मतलब आपके ऊपर तो है बट बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। आया समझ? ऑन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ओवर में नहीं होता। तो ये भाई आपका पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया मैंने, इसमें आपका बिहाइंड आएगा, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, बच्चा बिहाइंड ही छुपेगा और कहाँ छुपेगा। अब गेट के ऊपर नीचे तो छुपेगा नहीं, बिहाइंड ही छुपेगा। नेक्स्ट, द अमेरिकन इवैकुएशन। भाई इवैकुएशन एक बहुत अच्छा शब्द है, पूछता भी SSC DSSB दोनों पूछते हैं। इवैकुएशन का मतलब होता है कहीं से अपने बंदों को निकाल लेना, जैसे कहीं जब बिल्डिंग में कोई जैसे आग लग गई या कुछ आपदा हो गई, और वहाँ जिस बिल्डिंग में कुछ आपदा हो गई और वहाँ पे बहुत सारे बंदे फंस गए, तो उनको जो अब रेस्क्यू की टीम आएगी ना, वो उनको इवैकुएट करेगी। ठीक है, उस निकालने को जो टर्म बोलते हैं होता है इवैकुएट करना। द अमेरिकन इवैकुएशन इन अफगानिस्तान हैज एंडेंजर्ड, एंडेंजर मतलब खतरे में डाल दिया उसने, मैनी डैश लाइफ पीपल, पीपल्स नहीं होगा इसमें, मैनी
डैश लाइफ एंड लाइवलीहुड इन द कंट्री। अब इसमें पीपल्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है ना। और इसमें आपको पता है कोई आर्टिकल आएगा तो दा तो आएगा नहीं, क्योंकि दा एक स्पेसिफिक होता है। एन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई आपका वोवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा अ। और ये आ आपका सिंगुलर दिखाता है, और ये सिंगुलर यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ पीपल्स भी चल जाता, पर यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आ आएगा। द अमेरिकन इवैकुएशन इन अफगानिस्तान हैज इंडेंजर्ड मैनी अप लाइफ एंड लाइवलीहुड इन द कंट्री, ठीक आया समझ। जो अमेरिकी इवैकुएट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उसने कई लोगों की जान खतरे में डाली है और वहाँ के लाइवलीहुड भी खतरे में डाली है उस कंट्री की, ठीक है। चलो आर्टिकल ए एंड दा का यूज आपको पता ही होगा, वैसे आगे क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। मोस्ट एडवर्ब बताना है हमें, एडवर्ब आपको पता है जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होता है, तो ये चारों ही एडवर्ब है। दे नेवर एक्सपेक्टेड डेट द परफॉर्मेंस वुड एंड, परफॉर्मेंस कैसे खत्म होगी उनको पता नहीं था। सेलेक्टिवली नहीं, ये तो कुछ सेलेक्ट करने की बात होगी। रेजिमेंटली आर्मी से मिलिट्री से रिलेटेड होता है, जहाँ रेजिमेंट बने होते हैं ये उस चीज से रिलेटेड है। लेजिबल मतलब होता है पढ़ने योग्य, जिसको आप रीड कर सकें, और इसी का एंटोनिम होता है इलेजिबल, इलेजिबल जिसको आप रीड ना कर सकें, ठीक। लेजिबल मतलब जिसको आप पढ़ सकें। कैप्रीशियसली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सडन चेंज इन बिहेवियर, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकें, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट द परफॉर्मेंस वुड एंड कैप्रीशियसली, उनको ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये परफॉर्मेंस इस सडन वे पे चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यही होता है सडन चेंज, सडन चेंज मतलब जिसको किसी की उम्मीद भी ना हो कोई ऐसी चीज हो जाए ना एकदम से, तो वो होता है कैप्रीशियसली। तो वो कोई परफॉर्मेंस देखने गए होंगे और एंड में कुछ ऐसी चीज हो गई होगी जिसको किसी को उम्मीद ही ना थी। तो ये प्योरली यार वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत आराम से कर लोगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश टू सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम बाय रॉकर्स आर रियली बोरिंग। तो द पर्टिकुलर टू सॉन्ग्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो अगर वो पर्टिकुलर टू सॉन्ग्स बोलता तो वो दो सॉन्ग बताता कौन से हैं। अब ये लेटर और लेटर में क्या फ़र्क है, इस वाले लेटर का मतलब है भाई बाद में, ऐसे हम कहते हैं ना आई विल सी यू लेटर, मैं आपको बाद में मिलूँगा, तो इसका मतलब है बाद में। कहीं लिख लें अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसका मतलब है बाद में। और इस वाले लेटर का मतलब होता है सेकंड, और इसमें फर्स्ट को हम बोलते हैं फॉर्मर, है ना। फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर मतलब फर्स्ट, लेटर मतलब सेकंड, इस वाले लेटर का मतलब होता है बाद में। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट। द लास्ट टू सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम बाय रॉकर्स आर रियली बोरिंग, जो जो उसके आखिरी सॉन्ग थे इस एल्बम के वो रियली बोरिंग थे, ठीक। चलो ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज सीन डैश सीन वॉज डैश बॉदर्ड अबाउट प्रमोशन एंड अप्रेजल। अब इसमें ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज है, मतलब सारे एम्प्लॉयज में से सीन जो है, अब आप इसमें अब आपने कंपेयर वो पढ़े होंगे, इसने आपने कंपैरिजन ऑफ वो डिग्री पढ़ी होगी एडजेक्टिव में, है ना, जिसमें हम तीन तरीके से कंपैरिजन करते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, किसी से हम इसमें कंपैरिजन नहीं करते। जैसे हम इसमें बोले राम इज़ गुड, राम इज़ गुड मतलब राम अच्छा है। अब इसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, राम इज़ गुड। अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें हम दो से कंपैरिजन करते हैं। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, है ना, राम इज बेटर देन श्याम, तो इसमें बेटर आता है, इस बेटर और देन की जोड़ी होती है इसमें, बेटर देन श्याम। और सुपरलेटिव डिग्री में हम सब में से किसी एक को बहुत अच्छा बताते हैं, तो इसमें आएगा राम इज द बेस्ट, और इसमें हमेशा दा का यूज होता है सुपरलेटिव फॉर्म में, राम इज द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा राम है। तो इसमें भी वही आएगा, सीन वॉज द लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्रमोशन एंड अप्रेजल, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज में से सिर्फ एक की बात हो रही है सीन की, ठीक। तो इसमें आएगा द लीस्ट बॉदर्ड। वी आर सरप्राइज्ड टू सी दैट देयर वर
डैश 50 पीपल इन द रूम, नो लेस देन, नॉट फेवर देन, नॉट लेस देन और नो फेवर देन। भाई अब इसमें आपको चारों ही ऑप्शन ठीक लगेंगे, है ना? पर फीवर के साथ, यो फीवर के साथ नॉट नहीं होता, तो ये तो गलत है, नॉट फीवर देन। और लेस के साथ नो नहीं आता, नो लेस देन, नॉट लेस देन ठीक होता है और नो फीवर देन ठीक होता है। तो अब जब हम एकदम से सरप्राइजिंग वाली बात करते हैं ना, वी आर सरप्राइज टू टी, तो उसमें आता है आपका फीवर। अभी सेंटेंस बोलना क्या जा रहा है, वी आर सरप्राइज टू सी दैट देयर वर नो फ्यूअर देन 50 पीपल इन द रूम, मतलब हम देख के चौंक गए कि वहाँ कम से कम 50 आदमी थे भाई। हाँ तो इसलिए यहाँ पे आएगा नो फ्यूअर देन। जब आप सरप्राइज होने वाली बात होती है ना, तो आएगा फ्यूअर देन। और नॉट लेस देन यहाँ पे जब आएगा, जब आपसे कोई पूछे कि उस कमरे में कितने आदमी थे, तो आप कहोगे नॉट लेस देन 50 पीपल, कि भाई 50 से तो कम नहीं थे, उससे तो ज़्यादा ही थे, है ना? तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। अगर आप जब वहाँ, जहाँ पे आप सरप्राइज हो गए कि हम देख के चौंक गए कि वहाँ 50 वो आदमी थे, तो उसमें नो फ्यूअर देन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही चूज टू गो एंड स्टडी डैश इन द लाइब्रेरी रादर देन प्लेइंग क्रिकेट। तो भाई उसने चूज किया जाना और लाइब्रेरी में पढ़ना, तो इन दी लाइब्रेरी में पढ़ना क्रिकेट खेलने के बजाय। और ऐसे ही बच्चे एक दिन सिलेक्शन ले लेते हैं, जो चूज करते हैं आलतू फालतू कामों से अच्छा पढ़ना लाइब्रेरी में जाकर। अब इसमें थ्रू का भी आपको मतलब पता है, मतलब थ्रू मतलब किसी चीज को पार करके चलना, है ना? अप ऊपर, एट मैंने आपको बता ही दिया। दे स्टूड डैश द फैमिलियर पीपल वंडरिंग हुम टू टॉक टू फर्स्ट। दे स्टूड मतलब वो खड़ा हो गया, फैमिलियर पीपल, अब इसमें बिफोर मतलब पीछे, आदमियों के पीछे तो खड़ा होगा नहीं। अक्रॉस मतलब होता है पार करना, जैसे आप नदी वगैरह को पार करते हैं ना, तो वो अक्रॉस द रिवर होता है आपके, जैसे आप नदी के इस छोर पे खड़े हो और आपका दोस्त दूसरे छोर पे खड़ा है, तो वो अक्रॉस द रिवर खड़ा है। बिहाइंड मतलब पीछे हो गया, तो इसमें आ गया अमिडस्ट। अमिडस्ट का मतलब होता है जब आप बीच में खड़े हो बहुत सारे लोगों के, जैसे ये आप खड़े हो और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। और बिटवीन का मतलब होता है जब आप दो लोगों के बीच में खड़े हो तो वहाँ आएगा बिटवीन, और जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हो तो वहाँ आएगा अमिडस्ट। दे स्टूड अमिड द फैमिलियर पीपल वंडरिंग हुम टू टॉक, मतलब वो अपने परिवार वालों के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि यार पहले किससे बात करूं, चाचा से, ताया से, फूफा से, मामा से, पहले किससे बात करूं, तो वो इस चीज की सोच में पड़ गया। ठीक, सबके बीच में खड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। मोर देन वन टीचर, मोर देन वन टीचर सेलेक्टेड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इसमें कई बच्चे वर्ब आर भी लगा देंगे, पर इसमें हमेशा प्लूरल सिंगुलर फॉर्म आता है, वॉज आएगा यहाँ पे, और सेलेक्टेड है पास्ट है तो पास्ट आएगा, वॉज अगर वो होता तो है जाता। ठीक, मोर देन वन टीचर वॉज सेलेक्टेड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अब इसके पीछे भाई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, आप ग्रामर के रूल पढ़ लेना 100 150 वाले, तो उसमें आपको सारे रूल ही बता देंगे। मैं आपको यहाँ PYQ करा रहा हूँ मेनली। माई सिस्टर प्लेज डैश टेनिस वेरी वेल। अब आप इसको एक बार बिना उसके पढ़ के देखो, जब ये नो आर्टिकल रिक्वायर्ड दे ना, मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, मतलब हाँ आर्टिकल हर जगह यूज नहीं होते। माई सिस्टर प्लेज द टेनिस वेरी वेल, दास के लिए कोई स्पेशल तो है नहीं, और अ टेनिस एंड टेनिस भी नहीं है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल ही यूज होगा, क्योंकि गेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये आर्टिकल का रूल है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से पहले, गेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, तो यहाँ आएगा नहीं। माई सिस्टर प्लेज टेनिस वेरी वेल, सिंपल सी कहानी है। PQRS आ गए हैं भाई, PQRS कर लो। चलो भाई इसमें आप ये देख लिया करो कि ये शुरुआत किससे कर रहे हैं, BC ADD, मतलब चारों से ही कर रहे हैं, तो भाई चारों से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। तो इसकी शुरुआत होगी किससे, अब चारों पढ़ के देखते हैं। द अ साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड मेक्स वन हैप्पी एंड चीयरफुल, पीपल हैविंग गुड हेल्थ आर हाईली एम्बिशियस। जिनकी अच्छी हेल्थ होती है वो हाईली एम्बिशियस होते हैं। अ मैन बिकम इंटेलिजेंट पावरफुल एंड जीनियस। तो भाई इसमें ये सारी बात किसकी कर रहा है, हेल्थ की सारी बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हेल्थ से ही शुरू होगा। हेल्थ इज द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो ये मेरे को तो भाई डी से शुरू होता हुआ लग रहा है, डी के बाद आएगा सी। हेल्थ इज द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस।
अ मैन बिकम्स इंटेलिजेंट, कैसे हेल्दी जब वो बंदा रहेगा तो वो इंटेलिजेंट रहेगा, पावरफुल, जीनियस। पीपल हैविंग गुड हेल्थ आर हाईली एम्बिशियस, जिनकी गुड हेल्थ होती है वो हाईली एम्बिशियस होते हैं। तो इसमें पहले इसने हेल्थ की बात करी है, तो पहले हम हेल्थ की ही बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो सेलेक्ट द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक। दे डैश फॉर द किटन्स टू गो टू गुड होम्स। उन्होंने क्या किया, किटन्स मतलब बिल्ली के छोटे बच्चों को बोलते हैं। तो उन्होंने, भाई देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने अरेंज ही किया होगा किटन्स को अच्छे होम में जाने के लिए। दे अरेंज फॉर द किटन्स टू गो, उन्होंने एक बिल्ली के छोटे बच्चों के लिए एक अच्छे घर का इंतजाम कर दिया, उन्होंने अरेंज कर दिया, है ना। परसुएडिड का मतलब होता है समझा बुझाकर, जैसे हम किसी को समझा बुझाकर कहीं भेज देते हैं ना कि जा भाई वहाँ चला जा, अच्छा है, तेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्ली के बच्चों को समझाया बुझाया तो होगा नहीं कि जाओ तुम अच्छे घर में चले जाओ, अच्छे से रहोगी, अलाउ भी नहीं किया होगा और अपील भी नहीं किया होगा बिल्ली के बच्चों से कि प्लीज, हाथ जोड़ के बोला होगा प्लीज चले जाओ, ऐसे भी नहीं किया होगा। तो अरेंज ही किया होगा उन्होंने उनके लिए एक अच्छा घर परिवार। चलो, मान्या रोट हर एसे सो वेल दैट हर स्कूल टीचर वॉज प्लीज एंड हैप्पी विद हर। हैप्पी के साथ हमेशा जो आता है वो विद आता है, ठीक। अब हैप्पी एट हर, आप भी ज्यादा ज्यादातर बच्चों को लगेगा हैप्पी हैप्पी एट हर, उसके ऊपर खुश होना, उसके ऊपर खुश नहीं होती, वो उसके साथ खुश होती है, ठीक है। हैप्पी विद हर होता है इसमें, तो ये हमेशा याद रखना, हैप्पी के साथ हमेशा विद विद आता है। चले आगे, हर मदर इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू स्टॉप एनी वेयर एंड रिटर्न एज फास्टली स्विफ्टली हरिड। तो ये सब गलत है, एज फास्ट एज पॉसिबल, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो भी आपको फास्ट ही ठीक लगेगा। उसकी मम्मी ने उसे कहा कहीं नहीं रुकना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर वापसी आना है, एज एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक। हरिड मतलब बहुत जल्दी में रहना, ये सब आपके लिए ये बाद में यूज होते हैं, जैसे आई मीन वेरी हरी, आई मीन हरेड पास्ट टेंस में, कि मैं बहुत जल्दी में था उस टाइम, है ना। हाँ, फास्टली एडजेक्टिव आ जाएगा, तो इसमें फास्ट ही आपका यूज होगा। ऑल दो देयर वॉज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट द प्ले फिनिश्ड, बताओ उसका आंसर क्या होगा। द प्ले फिनिश्ड मच क्विकली, मच क्विकली तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। टू क्विक, टू क्विक भी नहीं होगा क्योंकि क्विक के साथ हमारा क्विकली आना, एडजेक्टिव आना जरूरी है। तो ये जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, टू क्विकली। ऑल दो देर वॉज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट बट द प्ले फिनिश टू क्विकली, बहुत टाइम बचा था पर जो प्ले था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया, है ना। चलो, शी डैश हिम टू विजिट द एग्जीबिशन बिफोर इट नीडेड। शी डैश हिम टू विजिट द एग्जीबिशन, उसने उसको क्या कर रहा होगा जाने के लिए, बताया होगा, बोला होगा, शी टोल्ड हिम टू विजिट ना। अरेंज तो उसने किया नहीं होगा कि चले जाए, एग्रीड की बात नहीं है कि शी एग्रीड हिम, कि उसने उसको मनाया, डिसाइडेड भी नहीं है, शी डिसाइडेड हिम टू विजिट, उसके लिए तो वो डिसाइड करेगी नहीं। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बोला कि एग्जीबिशन खत्म होने से पहले जाओ एक बार हो जाओ, है ना। तो शी टोल्ड हिम टू विजिट द एग्जीबिशन। द ओल्डर ही ग्रो द लोलियर ही बिकम, इसका आपको रूल भी पता होगा ना, ये जो द ओल्डर ही ग्रो द ओल्डर ही बिकम होता है, इसका एक रूल वो भी होता है, द अपर यू गो द कोल्डर यू गेट, है ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है कि उसके साथ ये दोनों सेम सेम चीज चलती हैं, द अपर यू गो द कोल्डर यू गेट, द लोअर यू गो द वार्मर यू गेट, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं, आपको ग्रामर के रूल पढ़ने पड़ेंगे 100, उसके बाद आपको ये सारी चीज पता चल जाएंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिटेल ब्रांड इज, द रिटेल ब्रांड इज डैश यूबिक्विटस फीचर ऑफ द रिटेल लैंडस्केप इन द नॉर्थ अमेरिका। नो आर्टिकल, द एन ए क्या आएगा। अब आप सोचोगे यू है तो हम एन लगा दें, है ना, अ रिटेल ब्रांड इज एन यूबिक्विटस फीचर, पर एन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा अ का। इज अ यूबिक्विटस मतलब हमें पता नहीं है कौन सा ब्रांड है वो क्या है, बस हाँ कोई ब्रांड है। अब इसमें कहोगे भाई यहाँ तो वोवल है, वोवल के पहले अ क्यों लगेगा, तो भाई आप उसकी साउंड देखो कौन सी साउंड दे रहा है, ये दे रहा है यू की साउंड, किसकी,
ये दे रहा है यू की साउंड, और जो वोवल आते हैं वो आते हैं स्वर की ध्वनियों से पहले, जैसे आ आ आ ई ई ओ। अरे यार कितने ओ हैं, हट जा तू यहाँ से। ओ ओ आ आ ई ई ओ ओ ए आई ओ आउ। जब इनकी ध्वनि आएगी ना उनसे पहले वॉवल ये एन यूज होता है, पर यहाँ पे आप देख रहे हो यू यूबीक्विटस की ध्वनि है, ऊ की नहीं है। यहाँ पे उबीक्विटस नहीं होता, ये होता है यूबीक्विटस। तो यहाँ पे यू की ध्वनि आ रही है इसलिए यहाँ पे आ यूज होगा, तो एन नहीं होगा यहाँ पे, आ ठीक होगा। ठीक चलो नेक्स्ट भाई, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूँ यार, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए पी क्यू आर एस का बढ़िया सा, है ना। चलो ये पी क्यू आर एस पढ़ो और लगाओ, देख लो 2 मिनट। आप इसमें ये देखो कि ये डी सी ए डी, मतलब बी से तो क्वेश्चन आपका शुरू नहीं हो रहा है ना, तो बी से तो आपको शुरू करने की जरूरत है नहीं। चलिए यार कराई दूं क्या होमवर्क दूं। एफिशिएंट स्टडी हैबिट्स आर इसेंशियल फॉर एकेडमिक सेशन। अब इसने किसकी बात करी है, इसने बात करी है यहाँ पे स्टडी हैबिट्स की। स्टडी हैबिट्स आप देखो अब कौन से उसमें है, इसमें तो अदर स्टडी हैबिट्स है। बाय डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स, तो डी डी से 2 शुरू हो रहे हैं, 4 और 1। एफिशिएंट स्टडी हैबिट्स आर इसेंशियल फॉर एकेडमिक सेशन। बाय डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो डी आएगा। बाय डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अचीव बेटर एकेडमिक आउटकम्स। अब डी के बाद दोनों में ए है। दिस कैन इंक्लूड क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल, ब्रेकिंग अप लार्ज टास्क इंटू स्मॉलर वंस एंड सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, अब इसमें क्या उसने बोला है, अब हम देखना है सी या बी में से, सी या बी में से। अदर इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स एडिशनली, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट, एडिशनली तो बाद में आएगा। अदर इफेक्टिव हैबिट्स इंक्लूड रिव्यूइंग क्लास मटेरियल। अब इसने ऊपर थोड़ी सी स्टडी हैबिट्स बता दी यहाँ पे, अभी अदर स्टडी हैबिट्स बता रहा है, तो मतलब सी ठीक है ना। अदर इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स इंक्लूड रिव्यूइंग क्लास मटेरियल्स रेगुलरली, आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। एडिशनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डेजिग्नेटेड स्टडी स्पेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इंक्लूडिंग गेटिंग इनफ स्लीप, ईटिंग बैलेंस डाइट एंड प्रैक्टिस स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, एक बार आप पढ़ के देखें आपको पता चल जाएगा। मिस कशिश इज अ गुड राइटर एज शी राइट्स विद, किसके साथ लिखेगी यार वो, कॉन्फिडेंस के साथ ही लिखेगी, जाहिर सी बात है ना। शी राइट्स विद कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस के साथ लिखती है इसलिए वो एक अच्छी राइटर है, बस खत्म। ब्रैशनेस का मतलब होता है रफ और बोल्ड लिखना, है ना, और इसी का सिनोनिम होता है गॉडीनेस, कि वही रफ बोल्ड टाइप की लिखना। कैप्रेशियसली, नहीं कैप्रेशियसली तो आप नहीं है, कहाँ से याद याद आ गया मेरे कैप्रेशियसली। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना। हाँ बिल्कुल, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना, टू इम्प्रेस समबडी, जैसे आजकल के छपरी लड़के करते हैं ना, KTM लेके जो घूमते रहते हैं वो ऑस्टेंटेशन करते हैं, शो ऑफ टू इम्प्रेस समबडी। ठीक, और क्वेश्चंस हैं? नहीं, क्वेश्चंस खत्म भाई आज के लिए। मिस कशिश इज अ गुड राइटर एज शी राइट्स विद कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस के साथ लिखती है इसलिए वो एक अच्छी राइटर है। तो भाई आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी हो बता देना, आगे से मेरे को पता चल जाएगा फिर मेरे को कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी क्लास, है ना। तो जो भी हो बता देना, और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आप ऐसे ही रीजनिंग की भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऐसे रीजनिंग की भी आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और भाई अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना कि अच्छी लग रही है, नहीं भी लग रही तो भी बता देना, ताकि मैं भी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूँ। ठीक है चलो मिलते हैं फिर।
अगले सेट में, रीजनिंग के या इसके भी, जैसा भी होगा, मिलते हैं, पर मिलेंगे जरूर।